ॐ अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमे गौरतुविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ेंगे शुक्लांबर, प्रभु के चावलों को प्रभु ग्रहण करते हैं। ऑल ग्लोरीज टू गौर चंद्र द लॉर्ड ऑफ ऑल, उन महाप्रभु की जय जयकारो जो स्वामियों के स्वामी हैं। ऑल ग्लोरीज टू विश्वंबर एंड बिलवर डिवोटीज, उन विश्वंबर की और उनके भक्तों की जय जयकार हो। इन दिस वे लॉर्ड विश्वरूप कॉन्स्टेंटली परफॉर्म संकीर्तन विद द डिवोटीज एंड नवदीप। इसी प्रकार विश्वंबर जो है लगातार की संकीर्तन करते हैं भक्तों के संग में नवदीप के अंदर। एज दे परफॉर्म कीर्तन एट नाइट द लॉर्ड क्लोज द डोर फ्रॉम इनसाइड सो दैट द आउटसाइडर्स कुड नॉट एंटर। जब वो रात को कीर्तन करते थे प्रभु जो है दरवाजा बंद कर देते थे अंदर से ताकि बाहर के लोग प्रवेश नहीं कर सके। यानी प्रभु चाहते थे जिनके अंदर लालसा है वो विनती करे और उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, और जो लोग केवल तमाशा देखने आना चाहते हैं या निंदा करने की भावना से आना चाहते हैं तो उनके लिए प्रवेश बंद था। वन डे एज द लॉर्ड वॉज डांसिंग इन द हाउस ऑफ श्रीवास, एक दिन प्रभु जो है नृत्य कर रहे थे श्रीवास के आंगन में। द मदर इन लॉ ऑफ श्रीवास वर हाइडिंग फ्रॉम विद इन द हाउस, उनकी जो सास है वो श्रीवास के घर के अंदर में छिपी हुई थी। नो वन इंक्लूडिंग श्रीवास पंडित न्यू अबाउट इट, कोई नहीं जानता था, इवन श्रीवास पंडित को भी नहीं पता था इस बात का कि उसकी सास जो है अंदर छुपी हुई है। शी हिड बिहाइंड अ बास्केट ऑफ ग्रेन्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस वहाँ कहाँ पर छुप के बैठी थी जहाँ पे अनाज रखा हुआ था कमरे में, टोकरी जो थे अनाज के उसके पीछे छुप के बैठी थी। वॉट इज द यूज ऑफ हाइडिंग, शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट गुड फॉर्चून, यानी छुप के क्या फ़ायदा, उसको वो सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ था। एंड विदाउट सफिशिएंट फॉर्चून नो वन कैन सी द लॉर्ड डांसिंग, यानी बगैर सौभाग्य के कोई भी प्रभु के नृत्य के दर्शन नहीं कर सकता था। वाइल डांसिंग द लॉर्ड रिपीटेड से, नृत्य करते हुए प्रभु बार बार कहते थे Why am I not feeling happy today? आज मुझे खुशी क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। As the super soul of all living entity, सबके परमात्मा होने के नाते the Lord knows everything, प्रभु सबको जानते हैं। Although he knows everything, he does not disclose this to enjoy his pastime, वो सब जानते हैं लेकिन उसको प्रकाशित नहीं करते हैं और लीला का आस्वादन करना चाहते हैं। As he danced, he repeatedly said, जब वो नृत्य का बार बार करते I am not feeling any happiness, is there anyone hiding here, मुझे आज आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है क्या। They searched the entire house and she was personally checked all the rooms, पूरे घर को उन्होंने ढूंढा और she was खुद गए सारे कमरों में। When it was determined that no outsider was there,
दे कंटिन्यू द कीर्तन। जब ये दृढ़ हो गया कि यहाँ पे कोई भी बाहर का बंदा नहीं है तो कीर्तन फिर शुरू हो गया। से सच्चिदानंद हवा डिड नॉट फील एनी एक्सटेसी, लेकिन महाप्रभु को कोई भाव की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अगेन द लॉर्ड स्टॉप एंड सेड आई एम नॉट फीलिंग हैप्पीनेस। फिर प्रभु रुक गया, कहते मुझे यहाँ पे खुशी नहीं महसूस हो रही है। परहैप्स कृष्णा इज नॉट शोइंग मर्सी टुडे, और कृष्णा अपनी कृपा नहीं दर्शा रहे हैं। इन फियर ऑल द डिवोटीज थॉट, भय के कारण सब भक्त सोचते हैं देयर इज नो वन हियर बिसाइड्स एक्चुअली, हमारे लिए अलावा यहाँ पे कोई और है ही नहीं। वी मस्ट हैव कमिटेड सम ऑफेंस देयरफॉर द लॉर्ड इज नॉट फीलिंग एनी प्लेजर, हमारे द्वारा कोई अपराध हो गया इसलिए प्रभु को यहाँ पे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। श्रीवास पंडित अगेन वेन इनसाइड एंड फाउंड हिज मदर इन लॉ हाइडिंग देयर, श्रीवास पंडित पुनः अंदर जब जाते हैं और क्या देखते हैं, उनकी सास छुप के बैठी हुई है। श्रीवास पंडित वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद लव ऑफ कृष्णा, यानी श्रीवास पंडित जो थे प्रेम में मतवाले हो रहे थे। हाउ कैन वन हुज नो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस बिकम प्राउड, यानी जिन्हें बाहरी ज्ञान नहीं है, जो प्रेम में डूबे हुए, उनके अंदर अहंकार कैसे आ सकता है, गर्व कैसे हो सकता है। हिज बॉडी वॉज शेकिंग बिकॉज ऑफ द लॉर्ड वॉज, उनके शरीर में कंपन हो रहा था प्रभु के शब्दों के कारण। He gave instructions to grab her by the hair and throw her out. उन्होंने आदेश दिया कि इसके बाल पकड़ो और इसको बाहर फेंक दो। No one other than Shiva knew about this. यानी शिवास के अलावा इस बात को कोई जानता नहीं था। Then Vishwambhar began to dance in ecstasy. फिर विश्वंभर वहाँ पे भाव में नृत्य करने लगे। When the Lord said, "Now I am feeling joyful at heart." अब प्रभु कहते हैं मुझे हृदय में बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। श्रीवास पंडित स्माइल एंड ज्वाइन द कीर्तन, श्रीवास पंडित मुस्कुराते हैं और कीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। इन दी एक्सटेसी और टमल्टस कीर्तन दी वैष्णव्स लाफ्ड एंड फेल टू दी ग्राउंड, यानी भाव में जोरदार कीर्तन हो रहा था और सारे वैष्णव जो थे हंस रहे थे और जमीन पर गिर रहे थे। दी लाइन लाइक गॉड सुंदर डांस इन जुबलेशन, यानी जो गौर सुंदर है, जो शेर के समान है, वो आनंद में नृत्य करे हैं। एंड द मोस्ट पावरफुल नित्यानंद स्ट्रेच इज आर्म्स आउट टू प्रोटेक्ट लॉर्ड फ्रॉम फॉलिंग, और जो सर्वशक्तिमान नित्यानंद हैं उन्हें अपनी भुजाएं पखारी यानी खोली कि प्रभु को गिरने से बचाने के लिए, यानी अगर गिरेंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे। Who can see the pastime of the Lord Chaitanya? महाप्रभु की लीला के कौन दर्शन कर सकता है? Only one who is favored by the Lord can see. जिन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है वही इनके लीला के दर्शन कर सकता है। In this way, God Sundar daily performed kirtan hidden from the view of the general public. इस प्रकार God Sundar रोज कीर्तन करते थे छिपे हुए पब्लिक के सामने से। On another day, when the Lord did not feel happiness while dancing, he looked all round. दूसरे दिन जब प्रभु को खुशी नहीं हुई तो वो नृत्य करते उन्हें आसपास देखा। The Lord said, "Why am I not feeling happiness today?" प्रभु कहते हैं मुझे आज क्यों आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है? Have I offended anyone? क्या मैंने किसी के चरणों में अपराध किया है? अद्वैत आचार्य व नेचुरली आर डिवोटी और लॉर्ड चैतन्य, अद्वैत आचार्य तो स्वाभाविक ही प्रभु के भक्त है। He had no other desire than the service of Lord Chaitanya. उनके अंदर महाप्रभु की सेवा के अलावा और कोई दूसरी लालसा ही नहीं थी। When Lord Vishwambhar sat on the throne of Vishnu and placed a lotus feet on everyone's head, विश्वंभर ने जब विष्णु के सिंहासन पर बैठे और अपने चरण कमलों को सबके सिर पर रखा, एंड मैन द लॉर्ड मैनिफेस्टेड इज ऑपलम प्रभु जब अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, अद्वैत फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस, अद्वैत आचार्य जो है वो आनंद में तैर रहे हैं। वेन एवर द लॉर्ड सेड ओ नाडा यू आर माई सर्वेंट, जब भी प्रभु कहते ओ नाड तू तो मेरा सेवक है, अद्वैत बिकेम अनलिमिटेडली ब्लिसफुल, अद्वैत आचार्य बहुत अनंत आनंद की प्राप्ति होती थी।
क्योंकि वो यही सुनना चाहते, प्रभु ने मुझे सेवक के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु मुझे अपना सेवक मानते, ये मेरे बहुत बड़ी बात है कि प्रभु मुझे अपना मानते, चाहे कोई भी भाव से सेवक मानना मेरे बहुत बड़ी बात है। नो वन कैन अंडरस्टैंड इनकंसीवेबल ट्रुथ अबाउट गौरांग, महाप्रभु के सत्य को कोई जान नहीं सकता है जो बुद्धि से परे है। वो इन द नेक्स्ट मोमेंट वुड ग्रैब द फीट ऑफ द वैष्णवाज, और कि अगले क्षण वो वैष्णव के चरण भी पकड़ लेंगे। एक समय वो जब ऐश्वर्य भाव में होते हैं तो अपने चरण सबके सिर पर रखते हैं, और दूसरे क्षण जब वो भाव समाप्त होता है तो वैष्णव के चरण पकड़ते हैं। यानी ये द्वित भाव आपको उनके अंदर दिखाई देगा, दो भाव दिखाई देंगे। टेकिंग अ स्टॉप बिटवीन हिज टीथ, यानी दांत पे तिनका दबाने से, यानी दीनता पूर्वक ही वुड क्राई ओ डियर कृष्णा यू आर माई लाइफ एंड सोल, ओ मेरे कृष्णा तुम मेरे प्राण और तू आत्मा है। यानी दीन भाव से इस प्रकार वो विलाप करते थे। ही ट्राइड इन सच अ वे दैट क्राइड इन सच अ वे दैट इवन स्टोन वुड मेल्ट, जब प्रभु अश्रु बहाते थे इतने भाव और प्रेम में अश्रु बहाते थे कि पत्थर भी पिघल जाते थे। द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली इंजॉयड हिज पास्टाइम इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट, प्रभु ने इन लीलाओं का आस्वादन किया सेवक के भाव में। व्हेन हिज मूड एज द सुप्रीम लॉर्ड वुड ब्रेक, जब इनका भाव कि मैं ईश्वर पर टूटता था, ही वुड स्पीक टू एवरीवन एज इफ ही डिड नॉट नो एवरीथिंग, वो ऐसे सबसे बात वार्तालाप करते व्यवहार करते कि उन्हें पता ही नहीं, सबको उन्हें कुछ भी नहीं पता है। इफ आई एवर एंगेज इन मिस्चीफ देन प्लीज इन्फॉर्म मी, अगर मैंने कोई शैतानी की हो तो मुझे कहना, सो दैट आई कैन डाई इमीडिएटली, ताकि मैं तुरंत शरीर का त्याग कर सकूं। इस प्रकार प्रभु कहते कृष्णा इज माई लाइफ एंड वेल, कृष्णा ही मेरे प्राण है और मेरे धन है। कृष्णा इज माई रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी कृष्णा ही मेरे धर्म के सिद्धांत हैं। ऑल ऑफ यू आर माई ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स बर्थ आफ्टर बर्थ, आप लोग सब मेरे भाई और मित्रों हर जन्म में, यानी द्वापर में भी आप थे, मेदीला में सहायता की, त्रेता में भी थे और कलयुग में भी आ गए हो। इसका मतलब यह है कि जो प्रभु के प्रियजन होते, जो भक्ति की याचना करते हैं, वह हर युग में प्रभु की लीला में सम्मिलित होते हैं। इनफैक्ट जिधर जिधर प्रभु अवतार लेते हैं उनका अपनी लीला में सम्मिलित करके उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। आई हैव नो अदर गोल देन द सर्विस ऑफ कृष्णा, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है कृष्ण की सेवा के अलावा। हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस सो दैट माई माइंड डज नॉट डेविट, मेरी सहायता करो इस बात को समझने के लिए कि मेरा मन विचलित ना हो। ऑल दी वैष्णव फेल हेजिटेंट आउट ऑफ फियर, सारे वैष्णव को हिचक हुई भय के कारण। दे हैड नो करेज टू स्पीक, उनमें साहस था ही नहीं बातचीत करने का। इन दिस वे व्हेन द लॉर्ड पर्सनली गेव परमिशन देन एवरीवन को टच हिज फीट, इस प्रकार जब प्रभु स्वयं आज्ञा प्रदान करते थे तो सभी उनके चरणों का स्पर्श करते थे। द लॉर्ड ऑलवेज रिमेन इन द मूड ऑफ ए सर्वेंट, प्रभु हमेशा सेवक के भाव में रहते थे। एज सून एज ही वुड सी अ वैष्णवा ही वुड रिस्पेक्टफुली स्टैंड अप एंड टेक द डस्ट फ्रॉम हिज फीट, जब भी किसी वैष्णव के दर्शन करते तुरंत खड़े हो जाते आदर पूर्वक और उसकी धूलि को अपने सिर पर धारण करते। एज अ रिजल्ट ऑल दी वैष्णव वुड फील डिस्ट्रेस, इसका परिणाम के सारे वैष्णव दुखी हो जाते कि प्रभु हमें आपके चरण स्पर्श करने चाहिए कि आपको हमारे चरण स्पर्श करने चाहिए, आप तो जगत के ईश्वर, हम इस बात को जानते हैं, हमें रहस्य समझ में आ गया और आप कैसी मनुष्य लीला करो कि आप हमारे चरण पकड़ो। देयरफॉर ही वुड एम्ब्रेस देम, फिर प्रभु क्या करते उनका आलिंगन करते थे। द लॉर्ड ऑलवेज रिस्पेक्टेड अद्वैत एज ए स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभु अद्वैत आचार्य को हमेशा मान सम्मान देते थे जैसे कि वो उनके गुरु लगते हैं। दिस मेड अद्वैत मोस्ट अनहैप्पी, कि ये उन्हें बहुत दुख लगता था, कि क्या दुख लगता था कि ये मुझे गुरु करके मानते हैं तो मुझे मान सम्मान देते हैं,
अरे मुझे खुशी तो तब होती है प्रभु मुझे दास मान के मुझे आदेश देंगे। यानी संत कभी नहीं चाहता कि प्रभु मुझे या कोई मुझे आदर दे, वो कहता है मैं तो सबका दास हूँ और आप सब मुझे आगे दीजिए। लेकिन हम जैसे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और हम सेवा लेते हैं सेवा करने के बजाय। He did not get an opportunity to directly serve the Lord. उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो स्पष्ट रूप से प्रभु की सेवा कर सके। Rather, the Lord would grab his feet, लेकिन उल्टा प्रभु ही उनके चरण पकड़ते थे। The lotus feet that Advait constantly meditated on were not directly present. यही चरण कमल जिसका अद्वैत आचार्य चिंतन करते हैं स्मरण करते हैं वो स्पष्ट मेरी आँखों के सामने है। An Advait desire to always remain absorbed in them, और अद्वैत आचार्य की इच्छा थी कि उन चरण कमलों में मैं मग्न रहूं। He was unable to do so directly, वो स्पष्ट रूप से तो नहीं कर सके ऐसा। However, for the Lord would become angry, तो प्रभु क्रोधित हो जाते थे। Yet he sometimes stole the dust from the Lord's feet. कभी कभी कहते हैं प्रभु की चरणों की धूरी को चोरी कर लेते हैं, यानी जैसे प्रभु चले गए उनके पीछे से धूल ले ली तो पता भी नहीं चला ले भी ली, क्योंकि प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि मेरे सामने कोई मेरे चरण को पकड़े, इसी कारण से वो पीछे से ले लेते हैं। Whenever the Lord fell unconscious in ecstasy, जब भी प्रभु मूर्छित हो जाते भाव में अद्वैत अप्रोच थे इसलिए प्रभु उनके चरण पकड़ते थे। He would then offer obeisances by falling at the Lord's feet and wash those feet with tears from his eyes. फिर वो प्रणाम करते थे दंडवती करते हुए उनके चरणों में और उनके चरणों को अपनी आँखों के अश्रु से धोते थे। किससे धोते? आँख के आंसुओं से। Sometimes he would rub his head on the Lord's feet. कभी कभी क्या करते थे? प्रभु के चरणों को रगड़ते थे अपने सिर पे। एंड समटाइम्स ही वर्शिप द लॉर्ड विद सिक्स इंग्रेडिएंट्स, कभी छह प्रकार की वस्तुओं से प्रभु के पूजा करते थे। सच एक्टिविटी वर पॉसिबल ओनली फॉर अद्वैत, ये क्रिया केवल अद्वैत के द्वारा ही संभव थी। बिकॉज द लॉर्ड मेड हिम अ ग्रेट रेसिपिएंट ऑफ मर्सी, क्योंकि प्रभु की कृपा उन पे हो चुकी थी। जिस पे प्रभु की कृपा होती है उसी के हाथ से बड़े बड़े काम हो जाते, मनुष्य के चाहने से नहीं होते, प्रभु की कृपा से होते हैं। मनुष्य की जो दयाल भक्त होते हैं उनकी एक ही इच्छा होती है प्रभु के चरणों की सेवा करो, उनमें प्रीति रखो और उन चरण कमलों कभी ना छोड़ो, बस यही उनका उद्देश्य और लक्ष्य होता है। Therefore, Advait is the foremost of all Vaishnava, is the foremost of Advait, जो सबसे श्रेष्ठ है। All the Vaishnava proclaim Advait is indeed glorious, सारे वैष्णव कहते थे कि अद्वैत भाग्यशाली हैं, उनकी की जय जयकार हो, क्योंकि उन प्रभु के चरण पकड़ते थे, उनकी सेवा करते थे। Such are the extraordinary glories of lion-like Advait, इस प्रकार इनके महिमा थी जो आम इंसान से परे है, यानी शेर की तरह जो अद्वैत आचार्य थे। The miscreants, however, do not know this confidential truth, दुष्ट लोग इस गोपनीय सत्य को नहीं जानते। वन डे लॉर्ड विश्वंबर डांस इन एक्सेसी, एक दिन विश्वंबर जो है भाव में नृत्य करे हैं, अद्वैत डांस बिहाइंड हिम, अद्वैत जो है उनके पीछे से नृत्य करते हैं। When Advait saw the Lord lose consciousness, अद्वैत चार देखा कि प्रभु ने मूर्छित हो रहे हैं, he secretly took dust from the Lord's feet and smeared it on his body. उन्हें गोपनीय तरीके से उनके चरण धूलि को लिया और पूरे शरीर में मल दिया। इनफैक्ट
प्रभु ये जो मूर्छा के कर है अच्छा आपकी कृपा देने के लिए ही करे होंगे, ये भी तो हो सकता है। प्रभु चाहे जब भाव का संवरण कर सकते हैं, जब भाव को बढ़ा सकते हैं, उनकी इच्छा सब उनके अधीन है। तो यहाँ पे उनको अपने चरण धोले, उनके अपने चरणों को प्रदान करने की लीला की जा रही है। लॉर्ड द्वारा नो अनलिमिटेड प्रैंक, यानी महाप्रभु बहुत से तरीके जानते हैं। When he continued dancing, he felt no happiness. जब वो नृत्य करते उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। The Lord said, Why am I unable to capture the Lord in my heart? भगवान कह रहे कि मैं आज प्रभु को अपने हृदय में क्यों पकड़ नहीं पा रहा हूँ। Who did I offend so that I am not feeling happy? मैंने किसके अपराध किया कि मुझे आज खुशी अनुभव नहीं हो रही। यानी अपराध के कारण या पाप कर्म के कारण ही तो मनुष्य को आनंद की अनुभूति नहीं हो पा रही। मन में चीख काटती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और हैज सम थीव स्टोलन फ्रॉम मी, या कोई चोर मुझसे चोरी कर गया है। इज इट बिकॉज ऑफ दैट ऑफेंस दैट आई एम अनेबल टू डांस, क्या उस अपराध के कारण तो नहीं है कि मैं नृत्य नहीं कर पा रहा हूँ। Has anyone taken dust from my feet? क्या किसी ने मेरे चरणों की धूल को ग्रहण किया है? Do not worry, tell me the truth. घबराइए मत और मुझे सत्य कहिए। क्योंकि प्रभु की जानकारी में लेना ही अच्छा रहता है, छुपके से लेना प्रभु कई बार पसंद नहीं भी आए। When the devotees heard the words of the Lord who is present within everyone's heart, भक्तों ने जब प्रभु के शब्द सुने जो सबके हृदय में वास करते हैं, दे डिड नॉट से एनी बट रिमेन साइलेंट इन फियर, उन्हें कुछ देखा और मौन होकर भय के कारण मौन होकर खड़े रहे। इफ दे स्पोक दे वुड हैव टू फेस अद्वैत एंड इफ दे डिडंट दे वुड बी फिनिश, तो अगर वो बोलते हैं तो उनको अद्वैत आचार्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अद्वैत नहीं तो उनके चरण धोए थे और धूलि को ग्रहण किया था। एंड इफ दे डिड, अगर वो नहीं बोलते दे विल फिर शनि वो खत्म है समझे किस्म से, ऐसा वो मानते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस अद्वैत रिपेयर फोल्डेड, समझते इस बात को अद्वैत चारे हाथ जोड़ के कहते हैं। लिसन माय डियर लॉर्ड, मेरे प्रभु सुनिए, इफ अ थीफ कैनॉट गेट समथिंग ओपनली देन ही शुड टेक ए सीक्रेटली, अगर चोर को कोई चीज़ खुले आम नहीं मिलती है तो उसको छुप के ले लेना चाहिए। आई हैव कमिटेड द थेफ्ट, मैंने वो चोरी की है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट डू इट अगेन इफ़ इट डिसप्लीज यू, मुझे क्षमा करो, वो बेकाम मैं नहीं करूँगा अगर आप खुश नहीं होता, आपको नाराज़गी होती है। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं प्रणाम करूँगा, मैं उसके धूल को धारण करूँगा तो मेरे को लाभ मिलेगा, मेरे को सुख मिलेगा। यानी वो बंदा नहीं देना चाहता आपको अपने चरण, उसे दुख लगता है क्योंकि अपने को तुच्छ मानता है, इस करके वो नहीं देता या नहीं देना चाहता। तो यानी आप बलपूर्वक, यानी आप जिसके चरण की उपासना करते हो अपने सुख के लिए, उसके पकड़ के लेने को तैयार हो, उस चाहे उसको अच्छा लगे ना लगे। हमें अपने स्वामी के सुख के देखना, अपने सुख की चिंता नहीं करनी है। जब इंसान अपने सुख की चिंता करता है वो स्वार्थी होता है, और जब अपने स्वामी के सुख की चिंता करता है और उसकी सेवा करने का प्रयास करता है उसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं। अपने सुख की न चिंता करते हुए अपने स्वामी को प्रसन्न करना, चाहे कष्ट भी मुझे उठाना पड़े, वही वास्तव में प्रेम है। जहां पे स्वार्थ आ जाता है तो वो प्रेम नहीं है। विश्वंभर बिकेम ग्रेटली एंग्री ऑन हियरिंग अद्वैत, विश्वंभर यानी महाप्रभु को बहुत ज्यादा क्रोध है अद्वैत आचार्य के शब्दों को सुनने के। In anger he began to narrate the glories of Advait, क्रोध में उन्होंने उनकी महिमा गानी शुरू की। Even after annihilating the world you are not satisfied, यानी त्रिलोके का नाश करने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि शिव के रूप में है, एक किस्म से अद्वैत चार है। I alone remain after annihilation,
मैं अकेला केवल रहता संहार के बाद. When you annihilate me, then you will be happy. जब तू मेरा नाश करेगा तब तो खुश होगा. When you will kill even the ascetic, सन्यासी, योगी and the non philosopher, who can remain safe from your trident? यानी आप तपस्वी को, सन्यासी को, योगी को और दर्शन शास्त्र के जानने वालों को, यानी जितने भी लोग हैं, आपके त्रिशूल से कौन बच सकता है? यानी एक वो शंकर जी का, शिव जी का अवतार मानते हैं, या महाविष्णु और शिव के कंबाइंड अवतार होंगे, जो भी होगा. इधर लिखा गया है, यू ग्रैब हिज, इफ समवन कम्स टू अचीव योर फेवर, यू ग्रैब हिज फीट एंड किल हिम. कोई आपकी शरण आता है कृपा लेने के लिए, तो आप क्या करते हो? उसके चरण पकड़ उसका वध कर देते हो. इधर क्या लिखते हैं, श्री अद्वैत चारो, वैसे तो महाविष्णु है, ही एनिलेस द यूनिवर्स इन इज फॉर्म ऑफ रुद्र. यानी महाविष्णु ही रुद्र बन के संसार का संहार करते हैं. मतलब कि वो जो रुद्र कौन है, महाविष्णु के अवतार है. तो यानी इससे तो कह रहे कि तुम संहार कर रहे हो, क्योंकि महाविष्णु ही रुद्र बन के संहार करते हैं. श्री श्री गौ सुंदर सैद, आई एम एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन. महाप्रभु कहते मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ. तो एनिलेट माई इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ इन डिवोशन सवे इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर ग्लोरीज. तो कहते हैं मेरे बल को तुच्छ करके अपनी भक्ति के द्वारा तेरी महिमा बढ़ने वाली नहीं है. यू आर अ पावरफुल वैष्णव, सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्नैच अवे द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ अ पर्सन हु आर न्यूफाइड इन स्पिरिचुअल लाइफ लाइक अस. तो कहते हैं आप बहुत शक्तिशाली वैष्णव हो, इसलिए यह आपके लिए अनुचित है कि आप सामने वाले के जो आध्यात्मिक बल को आप लेके जा रहे, कृपा को आप छीन रहे हो. और खासकर जो हम जैसे नए बंदे हैं, तो आप सबके चरण पकड़ते हो जो तो आपसे तुच्छ भी है. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसके जो है शक्ति को ग्रहण कर रहे हो. व्हेन अ डिवोटी ऑफ मथुरा केम बिफोर यू एंड प्रे फॉर डिवोशन सर्विस, जब मथुरा का भक्त आया था आपके सामने और उसे प्रार्थना की मुझे भक्ति दो, यू फोर्सिबली टुक अवे हिज डिवोशन टू डिस्ट्रॉय हिज एडवांसमेंट इन डिवोशन सर्विस. आपने उसकी भक्ति को छीन दिया. यू फोर्सिबली टुक अवे डिवोशन टू डिस्ट्रॉय हिज एडवांसमेंट इन डिवोशन. आप ये चाहते थे कि उसकी भक्ति आगे बढ़े. On the pretext of offering prayer in this way, she got Sunda appropriately concealed the glories of Advait. तो यानी इस प्रकार उन्होंने गोपनीय रूप से अद्वैत की महिमा का गान किया है. A great master from Mathura came to see a glorious lotus feet. तो कहते हैं मथुरा का एक महान वैष्णव आया था आपके चरणों के दर्शन करने के लिए. ही वॉज सपोज टू अचीव डिवोशन सर्विस टू विष्णु बाय सीइंग यू. उसे ये आस लेके आया था कि उसे भक्ति की प्राप्ति होगी विष्णु के आपके दर्शन करने पे. बट यू आर इवन डिस्ट्रॉइंग वट एवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हियर. और आप क्या करो, उसके आध्यात्मिक बल को नष्ट करो देने के बजाय. मतलब कि महाप्रभु इसे अपने ऊपर ले रहे हैं कि आप मेरे बल को नष्ट कर रहे हो. यू डिस्ट्रॉयड हिम बाय टेकिंग दस फॉर्मी फिर. आप इसको नष्ट कर दिया उसके चरण धोली को लेकर, क्योंकि महापुरुष जब मूर्छित होते रहे उनकी धोली को सिर पर धारण करते रहे. यू आर मोस्ट मर्सीलेस इन दिस एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तेरे में कोई दया नहीं जब तू इस प्रकार किसी का नाश करता है. तो कृष्णा हैज रेटली इंडोर्ड यू विद डिवोशन फाउंड इन इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस. यानी कृष्ण जी ने आपको भक्ति प्रदान की है जो
अनंत ब्रह्मांडों में उपलब्ध है, येट टू स्टील फ्रॉम एन सिग्निफिकेंट, यानी आपके पास सबकी भक्ति आपके पास ही है, जो ब्रह्मांड पे जितने भी लोग हैं, और फिर भी आप मेरे से छीन रहे, चोरी करो मेरे चंदोली, यानी मेरी भक्ति को छीन रहे हो। यू हैव नो कंपैशन व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रॉइंग एन इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर, आप पे कोई दया नहीं होती जब आप किसी तुच्छ प्राणी की का वध करते हो, उसका नाश करते हो। तो यू आर अ ग्रेट बैंडिट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थीव्स, आप बहुत बड़े डाकू हो और चोरों में सर्वश्रेष्ठ हो। यू हैव स्टोलन माय एक्सटेटिक लव, आपने मेरे भाव प्रेम को चुरा लिया है। एज द लॉर्ड स्पोक द ट्रुथ अंडर द प्रिटेक्स्ट इन दिस वे, प्रभु इस प्रकार सत्य बोलते कोई ना कोई बहाना करके, दैट डिवोटेड फ्लोटेड इन एक्सेसिव, भक्त जो है आनंद में तैर रहे हैं, यानी भाव में तैर रहे हैं। यू हैव स्टोलन बाय कांट आई वेट एंड सी हाउ आई स्टील फ्रॉम अ थीफ, तूने चोरी किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, रुकिए और देखिए कि मैं कैसे मैं चोर से चोरी करता हूँ। यानी कृष्ण में तुम भी तो चोरी करते थे, तो तुम भी तो चोरी करते, तो मैंने चोरी से चोर से तो चोरी किया। After saying this, the Lord grabbed Advait and laughed as he took the dust from his feet. इस प्रकार कहके प्रभु जो है ने अद्वैत को पकड़ा और हंसने लगे और उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। अद्वैत could not compete with the powerful lion like गौर, तो अद्वैत जो है उनके स्पर्धा नहीं कर सकते थे, क्योंकि महाप्रभु जो शक्तिशाली थे शेर की तरह, वो रब्द अद्वैत फिर अनुसार उन्होंने उनके चरण पकड़ के अपने सिर पे रगड़ा अद्वैताचार्य के चरण को। द लॉर्ड सेड सी हाउ आई हैव कैप्चर्ड द थीफ इन माय अम्ब्रेस, तो प्रभु ने कहा देख मैं चोर को आपके हृदय में, यानी उस चोर को कैसे पकड़ कर रखा है अपने आलिंगन के द्वारा, आलिंगन के द्वारा, यानी ये भाग के जाना भी चाहे तो भी भाग सकता है। ये इसको याद करके मुझे प्रसंग आता सुंदरकांड के अंदर कि सुग्रीव कहते हैं विभीषण जब आता है तो प्रभु इसे बांध के रखा जाए, इसे बांध के रखा जाए, तो प्रभु क्या करते हैं बाद में जब वार्तालाप होता है जो शनक होता है उसे अपने गले से लगाते हैं, कहते देख सुग्रीव तेरी बात मानी, मैंने ऐसा उसको बांधा है अभी मुझे छोड़ कर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, तेरी बात मैंने मान ली। यानी हमारे प्रभु का जो बंधन होता है वो ऐसा प्यारा होता है कि जो प्रभु का हो गया वो किसी और का हो ही नहीं सकता। वही है ना कि हमारा मन तो प्रभु में लगा ही नहीं, अगर लगा होता तो उसे हटता ही नहीं, और संसार में भी कहाँ लगा है, अगर लगा है संसार में दिखता है तो फिर उबता क्यों वहाँ से, अगर लग गया तो उब क्यों रहा मन आपका वहाँ से, फिर थोड़ी देर उधर जा रहा है फिर किधर जा रहा है फिर किधर जा रहा है, देखिए आपका मन किधर लगा ही नहीं एक्चुअली, अगर लगा होता तो फिर निकलता हटता था वहाँ से, नहीं हटता था, हट रहा है मतलब लगा ही नहीं है। तो इसको अच्छा के प्रभु पे अर्पण कर दो, अगर प्रभु इसे ग्रहण कर लेंगे तो फिर इसका भटकना बंद हो जाएगा, अगर प्रभु ने इसे ग्रहण कर लिया तो। इसलिए हमें अपने चित्त को साफ करना है कृष्ण संकीर्तन के द्वारा, और जैसे वो शुद्ध होगा प्रभु उसे ग्रहण कर लेंगे। होल्डिंग अडवे फीट टू इज चेस्ट लॉर्ड सेट, अद्वैचार्य के चरणों को अपने छाती से लगा कहते हैं सी आओ हाई कैप्चर द थीफ इन माई अम्ब्रे, देख उस चोर को मैंने कैसे आपके गले से, ये मेरे चरणों की धूड़ी लेके जाता था और चुपचाप मेरे को बोले बगैर अरे कहा उस चोर को मैंने अपने छाती से लगा लिया। एक्चुअली प्रभु उस पर कृपा ही करे, दिख रहा है कि क्रोध है लेकिन
क्योंकि प्रभु शायद नहीं चाहते कि अन्य अधिकारी लोग मेरे चरण धूलि को प्राप्त करें, इसलिए इस प्रकार व्यवहार करें। और ये बात तो अद्वैत पे बिल्कुल लागू नहीं होती, तभी तो उसका आलिंगन किया उन्होंने। आ ठीक पे स्टिल हंड्रेड ऑफ टाइम बट अ हाउस होल्डर रिटेन एवरीथिंग इन वन स्टोर। चोर जो है 100 बार भी चोरी करेगा, लेकिन जो ग्रस्त होता है वो एक ही बार में एक झटके में सब कुछ वापस ले लेता है। अद्वैत सेट वट एवर यू हैव सेट इज टू अद्वैत, जो तूने कहा है वो सब सत्य है। बट यू आर यू अ हाउस होल्डर, क्या आप ग्रस्त हो पहले बताओ मुझे। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। माय लाइफ इंटेलिजेंस माइंड एंड बॉडी ऑल बिलोंग टू यू, मेरा मेरे प्राण मेरी बुद्धि मेरा मन मेरा शरीर सब तेरा ही है। ओ लॉर्ड इफ यू एनिहिलेट मी हु कैन प्रोटेक्ट मी, अगर आप मेरा नाश करोगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा। यू आर द गिवर ऑफ हैप्पीनेस एंड यू आर द गिवर ऑफ डिस्ट्रेस, आप ही खुशी देते हो और आप ही दुख देते हो। इफ यू पनिश समवन हुज फादर कैन प्रोटेक्ट हिम, अगर आप किसी को दंड दोगे किसके बाप पे ताकत है उसकी रक्षा करने की। ओ लॉर्ड व्हेन पर्सनैलिटी लाइक नारद विजिट द्वारका टू सी अ लोटस फीट, वो प्रभु जब महापुरुष नारद जैसे द्वारका में जाते हैं आपके चरण कमल के दर्शन के लिए। विच आर देयर लाइफ एंड वेल्थ, जो उनके प्राण और धन है। एंड यू टेक द डस्ट फ्रॉम देयर फीट, अब आप उनके धूलि को अपने सिर पर धारण कर दो। वट कैन डू, वो कर भी कह सकते हैं, वो तो आता है आपके चरण धूल, लेकिन आप सो नारद के चरण को धूलि को अपने सिर पर, और वो कर भी कुछ नहीं सकते हैं। दिस इज माई को, ये मेरा सवाल है। वेन यू डिस्ट्रॉय योर ओन सर्वेंट, यानी उसकी धूलि को ले रहे हो तो उसके तो सारे पुण्य खत्म हो गए, जब आप उसके धूल को अपने सिर पे धारण कर लिया। तो वट यू वेन यू डिस्ट्रॉय योर ओन सर्वेंट वट कैन ही डू, जब अपने आप सेवकों को नष्ट करते हो वो कर भी कह सकता है। प्लीज कंसिडर वट टू स्पीक ऑफ टेकिंग डस्ट फ्रॉम योर फीट, यू कैन इवन ट्रांसलेट योर ऑर्डर। तो ये तो छोड़ो, धूल आपके चरणों के लेने से आप अपनी आज्ञा का उल्लंघन भी, हु कैन इवन आपकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है, किस पे क्षमता आपकी आज्ञा के उल्लंघन करने में। बट वेन यू एक्ट इन दिस वे इट डज नॉट इंक्रीज योर ग्लोरी, जब अब इस प्रकार व्यवहार करते हो इससे आपकी महिमा नहीं बढ़ती। एज आई गेट एनिलेट यू टेक प्ले, मेरे पुण्य नष्ट हो रहे और आपको आनंद आ रहा है, यानी मेरी धूलि आप सिर पर ले रहे हो तो मेरा नाश ही तो करो। आप जगत के ईश्वर हो, आपके चरण को हमें पकड़ना है, आपकी धूलि को हमें ग्रहण करना है। हम जैसे तुच्छ लोगों की धूलि को आप जब ग्रहण करोगे तो हमारा संहार ही तो होगा। दिस होली बॉडी बिलोंग्स टू, ये दिस बॉडी बिलोंग्स, ये शरीर जो है तो तेरा है। यू मे आइदर प्रोटेक्ट और डिस्ट्रॉय इट, चाहे आप उसको स्वीकार करो चाहे उसका नाश करो। ओला डू वट एवर यू विश, जो आपकी इच्छा वही करो, चाहे प्रभु स्वीकार करे चाहे त्यागे, हम प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो। वजह होते हुए भी कि हमें प्रभु से प्यार नहीं करना चाहिए तो हमेशा मेरे मन के प्रतिकूल जाते हैं, जैसे गोपियों को छोड़ के मथुरा गए और विवाह भी किया, तो विवाह के बावजूद उनके पास सब कारण था उनसे नाता तोड़ने का, फिर भी उन्होंने नाता नहीं तोड़ा, कह कि आपके मेरा प्रेम आपके प्रति बढ़ता रहे, मैं आपको ना भूलूँ और आपकी सेवा में मैं लगी रहूँ। इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति, इसे कहते हैं प्रेम। कारण होते भी नाता तोड़ने का, हम नाता नहीं तोड़ रहे हैं, उल्टा और प्रेम बढ़ा रहे हैं, इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। हमारा प्रेम है ही का जो कि स्वार्थ पूर्ति नहीं होती, हमें मुंह चढ़ जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं उससे, तो हृदय हमारे अंदर प्रेम है का। प्रेम तो गोपियों में था, कारण थे तोड़ने के भी, फिर भी उन्होंने नहीं तोड़े, उल्टा प्रेम बढ़ता ही गया। ये भी वही भाषा बोल रहे हैं, हमारे भरत जी ने भी यही भाषा बोली, चाहे आप मुझे स्वीकार करो चाहे आप मुझे त्यागो, आपकी ज्योतियाँ ही मेरी शरण है, यानी आपकी इच्छा जो करो
गोपियों के जो लास्ट श्लोक आता आशील सेवा पादतम पिनष्टम मतम कुरुतुवा, चाहे प्रभु मुझे स्वीकार करो चाहे आप मेरा त्याग करो, मेरे तो प्राणनाथ केवल आप ही, आपके अलावा कोई नहीं। ये जो भाव हमारे अंदर जब इस प्रकार के जागृत हो, हर कोई स्थिति जिसमें प्रभु को आनंद मिले उस स्थिति में हमें रखने हो, लेकिन हम प्रभु की सेवा उनकी भक्ति कभी ना छोड़े, उल्टा मेरा प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता रहे, इसे कहते सही शरणागति, इसे कहते सच्चा प्रेम। ना कि ग्रंबल करना शुरू कर दिया, क्या फायदा प्रभु देखो मैंने इतनी सेवा की मेरे को ये मिल गया, ऐसी स्थिति होगी मेरी बेइज्जती होगी, मेरा ये कर दिया मेरे को वैसा कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी कौन सी इज्जत थी जो बेइज्जती हुई है। पहली बात ये हम मानते हैं कि हमारी इज्जत हमारे ब्रह्म में मानते हैं, जो कुछ इज्जत है वो प्रभु के नाते है क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। अगर प्रभु से हट जाए तो कोई गुण नहीं रहेगा, कोई इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत सब प्रभु के नाते। तो जीव की अपनी कोई इज्जत नहीं होती, ना उसे कोई बेइज्जती होती है, जो है प्रभु के नाते ही उसका मान सम्मान मिलता है। इसलिए किस बात का बुरा मानना, किस बात के इससे क्रोधित होना मुझे बताओ। वही कहते हैं चाहे आप मेरी रक्षा करो चाहे मेरा नाश करो, ओ लॉर्ड डू व्हाट एवर इज फेवर, वही करो जो आपकी इच्छा है। विश्वंभ सेड यू आर द स्टोर कीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस। विश्वंभ कहते हैं आप तो खजाने हो भक्ति के, भक्ति के आश्रय हो, दैट इज वाई आई सर्व योर लोटे, तभी तो मैं आपके चरण कमलों की सेवा करता हूँ क्योंकि मुझे भक्ति मिलेगी उस सेवा करने से। He once smears the dust of your lotus feet over his body. कोई आपके चरण की धूली को अपने शरीर से मलता है। He will float in the mellows of excited love for Krishna. वो कृष्ण के प्रेम में तैरेगा। प्रभु यहाँ पे अपने भक्तों की महिमा बढ़ा रहे कि मेरे भक्त जो है कितने शक्तिशाली होते हैं। महाप्रभु के भक्त बहुत शक्तिशाली होते हैं। मैं पढ़ा था चैतन्य चंद्र अमृतम के अंदर प्रबोधन सरस्वती का लिखा हुआ ग्रंथ है, तो कहते हैं अगर आप कृष्ण के दास बन भी जाओगे अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी स्थिति है, कृपा है, लेकिन तो भी मुझे वो फायदा नहीं मिलेगा कृष्ण का दास बनने से जो महाप्रभु की सेवा से फल मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि महाप्रभु मुझे शुद्ध प्रेम देंगे, वो प्रेम देंगे जो कृष्ण भी नहीं दे सकते, उस प्रेम से मुझे ब्रज भाव प्राप्त होगा। कृष्ण का मैं डायरेक्ट दास बन गया ठीक है, कृपा मिल गई दास बन गया, लेकिन वो शुद्ध प्रेम जो महाप्रभु दे सकते वो कृष्ण भी नहीं दे सकते, इसे मुझे महाप्रभु का दास बनना है ताकि, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है, वो राधा रानी का भाव मुझे वही प्रदान करेंगे और तब मैं कृष्ण की वो सेवा कर सकूं जिससे उनका मैं अपना अधीन कर सकूं, क्योंकि प्रेम तो महाप्रभु ही देंगे क्योंकि वो राधा रानी के भाव में, यानी प्रेम राधा रानी हमें दे सकती है और कोई नहीं दे सकता, इसलिए मुझे महाप्रभु की सेवा चाहिए, उनका दास बनना ज़्यादा प्रेफरेबल है कृष्ण का सेवक बनने से। सेवक बनने से अच्छी बात है, बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलेगा जो राधा रानी देती है, जो महाप्रभु देते हैं, वो प्रेम ही तो शुद्ध प्रेम से ही तो कृष्ण हमारे वशीभूत रहेंगे। ये प्रबोधन सरस्वती के भाव है चैतन्य चंद्र अमृतम के अंदर। If you do not distribute devotional service, no one can attain it. अगर आप भक्ति का वितरण नहीं करोगे तो कोई भी प्राप्ति कर सकता। Know that I belong to you in all respect. ये बात जाने कि मैं आपका हूँ हर प्रकार से, इसलिए हमारे पास जो है जितना भी मात्र है आप उस प्रेम भक्ति को वितरण करिए, हरि नाम का वितरण करिए, दूसरे को प्रेरणा करिए हरि नाम करने के लिए, भगवान की कथाओं के भाव उनको प्रदान करिए, जितना भी आपके पास हो चाहे 5 पैसा हो चाहे 10 पैसा जो भी हो, वो जब दोगे ना तो प्रभु देखेंगे
जो भी इसके पास है वो कृपा बांट रहा है, अब मैं इसको और कृपा दूंगा। जब आप बांटते हो कृपा को तो कृपा मिलने शुरू होती पीछे से और ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो भी हमारे पास है हम उसका वितरण नहीं करेंगे तो आपको कृपा मिलेगी ही नहीं पीछे से, एक बार याद रखना, और आपकी उन्नति रुक जाएगी, क्योंकि कृपा नहीं मिलेगी तो कैसे आपकी उन्नति होगी। तो जितना वितरण करोगे उस भक्ति को, जो भी जितना भी आपके पास है, तो प्रभु देखते हैं कि क्या करा है, तो वो उनको अपनी कृपा शक्ति दे के संचार करना पड़ेगा आपके शरीर के अंदर, ताकि वो और बढ़े और आप बढ़ सको, और ये रास्ते ऐसे कि अपने आप बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है जो भी उसे प्राप्त है, जितनी मात्रा में प्राप्त है उसको आगे वितरण करे, लोगों को हरी कथा सुनाए, अपनी क्षमता के अनुसार जो कह सकता और हरिनाम करने की प्रेरणा दे, इससे आपको प्रभु की कृपा की प्राप्ति की। भले कोई भी ग्रहण ना करे, आपकी कोई भी बात ना सुने, लेकिन आपने ईमानदारी से प्रयास किया है, आपके ऊपर पूर्ण कृपा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि प्रभु प्रयास को देखते हैं। फल देना उनके हाथ में है कि सफलता होना नहीं होना, लेकिन आप ईमानदारी से प्रयास करो, आगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु की कृपा आएगी तो उसके बाद आपकी बात समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। यू कैन सेल मी वेर एवर यू लाइक, महाप्रभु कहते आप मुझे किसी के आगे बेच सकते हो। आई टेल यू दिस इन ट्रुथ, मैं आपको ये सत्य कह रहा हूँ, आप मुझे बेच सकते हो, जिसको चाहे मुझे दे सकते हो। यानी महाप्रभु देना भी प्रेम प्रदान करना, भक्ति प्रदान करना, यानी महाप्रभु की लीला का वितरण करना। इससे क्या होगा, वितरण करने से प्रेम की प्राप्ति होगी, ब्रज भाव 100% मिलेंगे, और इनकी लीला कठिन नहीं है। कृष्ण लीला समझना आसान नहीं है, महाप्रभु की लीला समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि केवल हरि नाम पे इन्होंने जोर दिया हुआ है। और एक चीज़ ही उन्होंने बोली कि वैष्णव निंदा नहीं करना, वैष्णव के चरण अपराध नहीं करना, तुम कितने भी पतित हो मैं तुम्हें तारने को तैयार हो, हरि नाम करो तुम निकल जाओगे, लेकिन एक काम नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, वैष्णव निंदा नहीं करना, बाकी सब ठीक है। सो एक चीज़ बोली उन्होंने, बाकी कुछ नहीं बोला। On seeing the extraordinary mercy bestowed on Advait, जब देखा कि कितनी ज़्यादा कृपा महाप्रभु के अद्वैत आचार्य के ऊपर है, all the Vaishnavas were astonished, सारे वैष्णव जो है आश्चर्य में पड़ गए। This great personality has truly served the Lord for a fraction of the mercy he received, cannot be compared to millions of liberation, कहते हैं इस महापुरुष ने सचमुच में प्रभु की सेवा की है, क्योंकि जो उसे एक बोलते कृपा मिली है, एक इतनी छोटी सी कृपा भी, तो कहते हैं उसकी तुलना करोड़ों अरबों मोक्ष से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रभु भी जीव को कितनी कृपा देंगे, एक बूंद भी दे देना वो पर्याप्त है त्रिलोकी को डुबोने के लिए, एक बूंद भी मिल जाए त्रिलोकी उस पर डूब सकती है, हम इतना ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं उस कृपा को, वो तो कृपा के समुद्र है, अगर एक बूंद भी दे वो बूंद त्रिलोकी को डुबो सकती है। कहते वो जो कृपा है वो सैकड़ों करोड़ों बक्सों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। शिवा रेयरली अचीव सच मर्सी एज अदर रिसीव फ्रॉम लॉर्ड गौरांग, शिव को भी बहुत दुर्लभ है वो कृपा प्राप्त करना होना जो अद्वैत आचार्य को मिलती महाप्रभु से, जो भक्ति जो प्रेम मिला वो बहुत कम लोगों को। एक्चुअली महाप्रभु महावदान है ना, बहुत ज़्यादा उदार है, बहुत दयालु है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चीज सर्व सबसे तुच्छ लोगों को प्रदान की है। हम जैसे लोग जगह मदाई को प्रेम दे दिया, किस किस को दिया, उन्हें पात्र पात्र का विचार ही नहीं किया, जो उनके पास शरण में सबको ब्रजभाव दी, सबको प्रेम दिया और सबको कह के लो और तर जाओ। वी आर ऑल्सो फॉर्चुनेट टू हैव द एसोसिएशन ऑफ सच अ डिवोटी, हम भी भाग्यशाली हैं ऐसे भक्तों का संग करने से।
we take dust from this devotee on our entire body. हम ये धूलि ग्रहण करते हैं इस भक्त से पूरे शरीर में, यानी अद्वैचार्य किसी के धूल को हम पूरे शरीर में अमलेंगे, मतलब ये हो गया. When such a devotee अदे प्रभु is joyfully glorified, तो अद्वैचार्य जैसे प्रभु की जब महिमा का गुणगान होता है, sinful person become disturbed due to past mistake. पापी लोग दुखी होते हैं अपने कुकर्म के कारण. प्रभु का स्वभाव है भक्त की महिमा बढ़ाना. आपको मैंने उदाहरण दिया भी था, फिर से देता हूँ. समुद्र मंथन के समय बार बार विघ्न आ रहे थे, जब उठाने लगे तो उठा नहीं पाए, फिर प्रभु मंदाचल पर उठा के ले गए, फिर जब उन्होंने रखा तो पानी में और नीचे डूब गया था समुद्र में, फिर प्रभु ने कच्छप का रूप धारण किया, और फिर जब मंथन करने लगे कभी एक स्तव जाए कभी स्तव जाए, फिर प्रभु पर्वत के ऊपर बैठ गए. तो यार पग पग में अगर देखा जाए एक दृष्टि से तो प्रभु की कृपा हर पग में मनुष्य को चाहिए होती है, पहली बात है. लेकिन एक विशेष बात ये थी कि हमारे प्रभु ने क्या कहा कि लगता है कि तुमने गणेश जी को भूल गए हो और उनकी कृपा नहीं ली, उनकी उपासना नहीं की तुमने. क्यों भैया, गणेश की उपासना करने की आवश्यकता क्या, जब आप सामने उपस्थित हो तो आप विष्णु गणेश जी जो पूजने तो आपके ही कृपा के कारण पूजने हैं, राम नाम के बल के कारण वो प्रथम पूजने और विघ्न विनाशक बने हैं, तो फिर इनकी क्यों पूजा करनी. क्योंकि गणेश जो है बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है, कहता है भार तो मैंने ही उठाना है लेकिन मेरे भक्तों को तो मान सम्मान दूंगा. भार तो मैं ही उठा रहा हूँ नीचे से लेकिन मैं अपने भक्तों का मान सम्मान तो दूंगा, इससे तुम गणेश की पूजा करो. अर्जुन से माता की पूजा करें क्योंकि माता भी तो वैष्णव ही है, तो काम तो मैंने ही करना है लेकिन मान सम्मान तो मेरे भक्तों को दो, उसकी मैं कैसे उपेक्षा कर सकता हूँ. तो ये प्रभु की विशेषता है, करना सब उन्होंने होता है लेकिन अपने भक्तों को मान सम्मान प्रदान करना ये उनका स्वभाव है. समझ में है ना. और भक्त की बात को समझते हैं कि जो विशेषता है वो मेरे राम की है, मेरी कोई अपनी विशेषता नहीं है, इसलिए वो कभी अहंकार में नहीं आते. तो प्रभु हाँ तेरे को अच्छा लगता है मेरे को यश देने में, तो ठीक है मैं तो समझा तेरी कृपा से तो मैं शक्तिशाली बना और काम कर रहा हूँ, कब तू कृपा छीन लेगा. अच्छा अब अर्जुन ने भीष्म पितामह को हराया मारा, द्रोणाचार्य को जीता, शिव जी से जीत लिया, जब वो कृष्ण अंतर्धान हो गए, जब उनकी पत्नियों को लेकर आते, मामली कोल भीलों ने हरा दिया उनको और उनकी पत्नी को हरण किया, तब अर्जुन को लगा मैं वही अर्जुन हूँ, वही गांडीव धनुष है लेकिन कृष्ण नहीं है, मेरे इतने बड़े महारथियों को जीत लिया था और इन मामली कोल भीलों से मैं हार गया, बल्कि वो कृपा जो थी इसने मेरे को सफलता थी, आज वो कृपा हट गई तो मैं असफल हो गया, मामली लोग ने मुझे हरा दिया. तो यानी जो इंसान के ऐसे कोई बड़े काम होते हैं वो केवल कृपा से होते हैं, और कृपा हट जाए तो मामूली एक छोटा सा तुच्छ इंसान भी आपको हरा देगा. इसलिए जी कभी किसी बात का अभिमान ना करे और हर क्षण प्रभु की कृपा देखते हुए अहंकार ना पाले और उसके गुणगान करे, ये भक्त को करना चाहिए. कभी अहंकार नहीं पालना चाहिए, लेकिन ये बात समझने को बहुत समय लग जाता है, बहुत भजन चाहिए, साधु कृपा चाहिए भगवान के इस बात को समझने के लिए. मैं बोल तो रहा हूँ आप सुनते रहे हो, कितनों के कितना समय आएगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि समझाने के बाद अगर थोड़ी प्रशंसा ना मिले मान तो आदमी का मूड चढ़ जाता है. अभी तो मैंने कथा में समझा कि मान की कामना नहीं करनी, और मुझे बुलाया नहीं, मुझे देखा नहीं, मेरे को मान सम्मान नहीं दिया, ऐसा क्या, फिर हम चिड़चिड़ करना शुरू करते हैं. तो क्या समझ में कथा तुमको, यानी कुछ समझ भी नहीं आई. तो इसका मतलब यही है कि मैं तो प्रयास ही कर रहा हूँ, जिस पे कृपा होएगी वही समझेगा, मेरे समझाने से कोई समझने वाला नहीं है, ये मैंने देख लिया है. कोई कथा सुनने जैसी कथा खत्म होती है 5-10 मिनट के अंदर करके श्रोती उसने ऐसा किया वैसा किया वो ये कर रहा, तो क्या कथा समझ आ रही तुमको. हाँ जी कथा बहुत बढ़िया की, अरे बढ़िया की तो ठीक है लेकिन उतरी क्या जीवन में.
ज्ञान हुआ इससे, इसका मतलब कि तुम्हारी साधना में कमी है, तुम्हारे हरिनाम में कमी है, तो तुम्हें दवाई और ज़्यादा खानी है और स्ट्रांग डोज खाने हैं आपको, जिनमें की संख्या हरिनाम की बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ हृदय में प्रवेश करेगी। विवेक किसी को कहते, विवेक क्या कहते, ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है? ज्ञान तो है कि सही है गलत क्या है, लेकिन हृदय में उतरा नहीं। हृदय में कब उतरता है? जब प्रभु की कृपा होती है विवेक, तब तब जीवन उतरता है। और जब भजन बढ़ता है तब वो चीज़ हृदय में उतरेगी, थोड़े भजन से नहीं उतरता। The topics of that time have been narrated by the Vaishnava who are all factual. जो जो विषय मैं बता रहा हूँ ये सारे वैष्णव बोल चुके हैं और ये सारी बातें सही है। One who does the word is ruined. जो उनकी संतों की वाणी पे संदेह करता है, जिन्होंने ये लीला बोली है और जो मैंने लिखी है, उसका नाश निश्चित है। Lord Vishwambar stood up and chanted, Hari bol. His followers sang and all said, विश्वंबर खड़े हो गए और हरि बोल उच्चारण करने लगे। उनके जो संगी थे उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। अद्वैत आचार्य वॉज ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेसी। अद्वैत आचार्य जो हैं वह भाव में डूबे हैं। ही फॉरगॉट एवरीथिंग एज ए डांस लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। वो सब कुछ भूल गए और वो एक मत वाले इंसान की तरह नृत्य कर रहे थे। अद्वैत आचार्य द लॉर्ड ऑफ शांतिपुर टच्ड हिज बियर्ड एंड रोट लॉर्डली। अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर के जो स्वामी हैं अपनी दाढ़ी को स्पर्श करते हैं और गरजते जो से एज ही फरोट हिज आईब्रोज एंड डांस अपनी बाहों हिलाते हुए नृत्य करते हैं। दे एंड दे ऑल हैप्पीली सिंग जय कृष्ण गोपाल गोविंद वनमाली। तो क्या करते हैं? भगवान के नाम का उच्चारण रात दिन करते हैं। देखो इस ग्रंथ के अंदर एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, सारे भक्त हरि नाम ही करते रात दिन और कुछ नहीं, और कृपा के पात्र होते हैं। इधर तो किसी ने कहा कि भाई 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, 1 घंटा करो या 1.5 घंटा या 16 माला करके बंद करो, यह तो किसी ने नहीं लिखा। जो भी भक्त मिला जितने मिलते, और प्रभु कहते कीते सदा हरी सदा हरी। गीता में कहते ऑलवेज थिंक ऑफ मी, और हमेशा मेरे गुणों का गान करो, मेरा चिंतन करो, कंटिन्यूसली सिंग माय ग्लोरी गीता में कहते। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यार बस करो, अभी इससे ज़्यादा नहीं करना? तुम गीता के विरुद्ध चाह रहे हो, महाप्रभु के विरुद्ध चाह रहे हो। गीता के 10 अध्याय में कृष्ण कहकर जब भक्त मिलते हैं कंटिन्यूसली मेरे गुणों का गान करते हैं, और महाप्रभु कहते कितना सदा हरी हमेशा हरिनाम करते रहो, अहर्निश चलना चाहिए। हमारे आचार्य 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 2-2 लाख हरिनाम करते थे, और तुम कहते हो कि इतनी करो उससे ज़्यादा नहीं करना। तुम तो बिल्कुल उनके विरुद्ध करो, उल्टा तुम अपराध करो उनके चरणों में, उनके विरुद्ध बातें कह के। महाप्रभु की वाणी को एज इट इज़ बोलो, जो है भले तुम करते हो नहीं करते फॉलो अलग बात है, लेकिन एज इट इज़ बोलोगे तो भी कृपा मिल जाएगी। वो तुम्हारी कमी है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारी कमी है, लेकिन एज इट इज़ बोलो। महाप्रभु ने किधर नहीं कहा कि ये मत करो, इतना ही करो और बंद करो, हमेशा करते रहना चाहिए हरिनाम, और तुम बोलते बस हो गया जी और नहीं करना चाहिए। सारी विपरीत है। ऑल द लॉर्ड नित्यानंद वॉज ग्रेटली ओवर हम। नित्यानंद जो थे भाव में डूबे हुए थे। ही वॉज एक्सपर्ट इन डांसिंग विद लॉर्ड चैतन्य। वो महाप्रभु के साथ बड़ी कुशलता से नृत्य करे थे। वेन एवर लॉर्ड चैतन्य वॉज अबाउट टू फॉल, जब भी महाप्रभु गिरने वाले थे, द मोस्ट पावरफुल नित्यानंद स्ट्रेच आउट इज आर्म्स एंड केयरफुली कॉट हिम। तो क्या करते नित्यानंद अपनी भुजाओं को फैलाते और क्या करते उन्हें पकड़ लेते, उन्हें गिरने नहीं देते थे। लॉर्ड गौरांग डांस इन अनलिमिटेड एक्सेसिव। महाप्रभु भाव अनंत भाव में डूबे रहे और नृत्य करते। हु हैज़ द पावर टू डिस्क्राइब द डांसिंग, किस पे क्षमता उनके नृत्य का वर्णन करने की? बलराम एंड सरस्वती सिंग हिज ग्लोरीज टू द फुल सेटिस्फैक्शन। बलराम और सरस्वती उनके गुणों का गान करती है पूर्ण रूप से। बलराम शेषनाग उनके गुणों का गान करते हैं, सरस्वती तो आई है वो भी प्रभु का गुणगान करती है।
समटाइम द लॉर्ड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, समटाइम इज बॉडी शुक, कभी प्रभु अपनी चेतना खो बैठते, कभी उनकी शरीर कंपन होता, समटाइम ही टू स्टॉप बिटवीन हिज टीथ, यानी कभी एकदम डैने हो जाते, एंड समटाइम ही बिकेम ग्रेटली प्राउड, और कभी एकदम उनके अंदर गर्व आ जाता, अभिमान आ जाता। प्रभु के अंदर विरोधी चीजें एक साथ दिखाई देंगी, फूल से भी अधिक कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं, ये द्वंद्व एक साथ, जिसके अंदर विराट प्रभु केवल ईश्वर ही हो सकते हैं, जिनके अंदर सारे विरोधी चीजें एक साथ विराजमान है, क्योंकि दुष्टों के लिए कठोर हो जाते हैं, भक्तों के लिए फूलों से भी कोमल हो जाते हैं। समटाइम्स ही लाफ्ड, समटाइम ही सैड डीपली, कभी हंसते जोर से, कभी जोर से सांस, गहरी सांस लेते हैं, एंड समटाइम ही बिकेम, कभी उदास हो जाते हैं। इन दिस वे द लॉर्ड मैनिफेस्ट एक्सटेटिक लव, इस प्रकार प्रभु जो है आपके भाव का प्रदर्शन करें, प्रेम का प्रदर्शन करें, क्यों, कभी प्रभु के कोई लीला के दर्शन होते, हंसी आती और प्रभु अदृश्य हो जाते, लीला नहीं दिखाई देता तो दुखी हो जाते, तो इससे प्रेम में ही तो लीला के दर्शन होते हैं, तभी तो एक साथ ये गुण दिखाई दे, हंसना, रोना, उदास होना, ये सब होता है, क्यों, हमको लगता है ये पागल है, लेकिन उसको लीला के दर्शन हो रहे हैं, कुछ लीला उन्हें हंसी कराती है, और जब प्रभु लीला समाप्त हो जाती है, प्रभु अदृश्य हो जाते हैं, वो दुखी होकर रोना शुरू कर देते हैं। समटाइम द लॉर्ड सैड इन द वीरासन पोस्चर एंड समटाइम ही लाफ्ड लाउडली, कभी जो वीरासन के आसन में बैठ जाते और जोर से हंसते, एज ही बिस्टोल मर्सी ऑन एवरी वन अकॉर्डिंग टू द गुड फॉर्चून, प्रभु जैसे भी कृपा बरसाते उनके भाग्य के अनुसार, ऑल द वैष्णव ड्रॉन इन एन ओशन, अक्षर सारे वैष्णव जो हैं भाव में डूब जाते थे। श्री शुक्लंबर, सेम शुक्लंबर ब्रह्मचारी स्टैंडिंग बिफोर हिम, लॉर्ड श्री गौर हरि बिस्तोड हिम मर्सी ऑन हिम, जब शुक्लंबर ब्रह्मचारी को आपके समक्ष खड़े देखा तो महाप्रभु ने आपकी कृपा उन पर बरसाई। नाउ हियर द टॉपिक रिगार्डिंग शुक्लंबर ब्रह्मचारी हु लिव्ड इन नवद्वीप वेयर द लॉर्ड अपीयर्ड, शुक्लंबर ब्रह्मचारी के विषय में सुनिए जो नवद्वीप में रहती हैं जिधर प्रभु प्रकट हुए थे। He was always engaged in his occupational duties and he was most peaceful. वह अपने जो नित्य कर्म में लगे रहते और शांत रहते। Although no one knew it, he was a great devotee. कोई उन्हें जानता नहीं, लेकिन वह बहुत महान भक्त थे, क्योंकि भक्त अपने आप को हमेशा छिपाता है। वो कभी यह नहीं दर्शाता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ। और जो अहंकारी लोग होते हैं उन्हीं के अंदर प्रदर्शन के भाव होते हैं कि लोगों को पता चले मैं कितना बड़ा भक्त हूँ और लोग मेरी प्रशंसा करें। जो रियल भक्त होते हैं वो अपने राम की प्रशंसा सुनते हैं, और जो अहंकारी होते हैं वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं प्रभु की आड़ में, प्रभु के करो या ना करो मेरी जरूर कर देना, ये उनकी समस्या होती है। और उन्हें सुनने भी अच्छा लगता है, भले ऊपर से बोले हमको नहीं सुनना है, लेकिन सुनने से अच्छा भी लगता है उनको। अगर वास्तव में खराब लगता उसे वक्त क्रोधित होकर बोलते मेरे राम का गुणगान करो, मेरा क्यों करो, और आप गुणगान करते या उनसे गुणगान कराते अपना निश्चिंता कर बैठ के सुन रहे हो, मतलब कि आपके अंदर कपट है, आप ये सुनना चाहते, इसलिए आपको आनंद मिल रहा है सुनने में आपकी प्रशंसा। हनुमान जी को पूछो, कभी भी वो प्रभु का ही गुणगान करते, कभी अपनी महिमा नहीं सुनी, उन्हें अपने नाम भी नहीं बताते किसको, मेरा नाम जान के क्या, मेरे राम नाम को जान लिया और क्या जानना बाकी है, जो 1000 विश्व नाम के बराबर वो राम नाम को जानने का क्या जानना बाकी रह जाता है, उस नाम को जान लिया और क्या जानना बाकी है। He would take a bag on his shoulder and go back on from house to house in Navdeep. वो अपने झोला उठाते कंधे पे और चले जाते रहे भिक्षा मांगने के नवदीप में। He would cry while chanting the names of Krishna day and night. वो रात दिन रोते थे कृष्ण नाम का जप करते हुए।
सारे भक्त यहाँ पे देखोगे महाप्रभु के समय के जितने भक्त हमारे प्रभुपाद जी और परम गुरु जी तक आई थिंक से सभी खूब हरिनाम करते थे। हमारे गुरु जी को भी जब भी देखा या तो लिख रहे होते हैं कोई प्रभु के कोई लीलाओं को लिख रहे होते हैं या नाम जप कर रहे होते हैं या कथा करते हैं, कभी भी किसी ने व्यर्थ गुरु जी को बैठे नहीं देखा कि बैठे कुछ और करें। मतलब कि 24 घंटे कृष्ण भक्ति में मग्न थे हमारे गुरु जी तक, तो हमने तो यही देखा था। परम गुरु जी को तो देखा नहीं लेकिन उनके बारे में सुना भी। प्रभुपाद जी उनके गुरु प्रभुपाद जी वो तो थे ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं, सारे थे। और उसके जगन्नाथ दास बाबा जी गौर किशोदा सारे जितने भी थे सारे सारे 24 घंटे प्रेम में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा अगर वो 60 मिनट में या ये 60 सेकंड में अगर एक सेकंड भी अगर वो भक्ति में नहीं होते तो उनको अपने गुरु स्वीकार नहीं करता था। जब मैं देखा कि 60 के 60 सेकंड में ये भक्ति में मग्न है तब मैंने उनका अपने गुरु स्वीकार किया, अगर एक सेकंड भी नहीं होते तो मैं उन्हें छोड़ देता था। प्रभुपाद जी के भाव थे। तो सोचो हमारे सारे गुरुवर कितने श्रेष्ठ थे, क्या क्या नहीं थे। और श्रेष्ठता कैसे आती है? भजन से आती है, नाम जपने से आती है। बगैर नाम जपे कोई श्रेष्ठ हुआ नहीं है, किसी के अंदर गुण आए नहीं है। संत की सेवा करो। अरे बाबा पहले संत तो बन जाओ। संत बनोगे कैसे? हरि नाम करने से तो बनोगे। 2 लाख 3 लाख हरि नाम करिए, हरि कथा में मग्न होइए, तभी संत के गुण आगे, तभी संत कहलाने का अधिकार है। नहीं तो संत कहलाने का अधिकार ही नहीं है। दिखने में तो हम संत जैसे लगते लेकिन संत नहीं है अगर हम भजन में नहीं है तो। क्योंकि जब बहुत अधिक हरि नाम होएगा तभी तो सब पाप कर्म से बचे रहोगे, सारे अपराधों तभी तो बचे रहोगे। ये तो और कैसे कैसे बचने का उपाय बताओ मुझे? जब फ्री हो टाइम कुछ ना कुछ व्यर्थ की बात करोगे ही करोगे। जब भजन करना 2 लाख 3 लाख हरि नाम करना, आपका समय कहा है किसी से भी ज़्यादा बात करने का? जितनी जरूरत है उतनी बात करोगे, क्योंकि संख्या पूरी होगी, क्योंकि संख्या 10, 20, 40, 64 वाले 2 लाख या 3 लाख हरि नाम है। जब उस स्तर का भजन होएगा तो कोई अपराध नहीं होगा। ये अपराध मत कर, वो अपराध मत कर, अरे बाबा छोड़ो उसको बोले तब भजन बढ़ा ले, फिर अपराध का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद समझ नहीं अपराध करने को, और उसका स्वभाव बदल जाएगा। क्योंकि भजन करते 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 ना किसी की निंदा होगी, ना किसी की प्रशंसा होगी, ना कोई आलस आएगा, क्योंकि यही चिंता रहेगी हरिनाम करना हरिनाम करना हरिनाम करना, यही चिंता रहेगी। तो यही तो क्वालिटी जप है, क्योंकि नाम का ही तो चिंतन हो रहा है। संख्या पूरी करनी, संख्या पूरी करनी, और क्या चाहिए इसके आगे? कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हो? नाम का चिंतन करना है, संख्या पूरी करनी, नाम का चिंतन। ये लोभ ही तो है जो आपको भजन करा रहा है। इससे क्या कि वो आदत सारी आपकी गलत छोड़ जाती है, स्वभाव पूरा बदल जाता है, नए संस्कार अंदर आते हैं और पुराने निकल जाते हैं। और मृत्यु के समय ये संस्कार ही आपको हेल्प करेंगे। इसलिए स्वभाव हमने बदलना है, दूसरे हमारे स्वभाव का बदलने वाले नहीं है। हमने बिगाड़ा है कुसंग करके, और सत्संग और हरिनाम के द्वारा हमने अपने स्वभाव को सुधारना है। बगैर भजन करे कोई सुधरने वाला नहीं है, किसी का भी स्वभाव बदलने वाला नहीं है। ये बात कह देता हूँ। लोग कहते हैं मालक करता तो वो उसका जो भी बालक करता है फिर भी स्वभाव नहीं बदल। मैं तो कहता हूँ झूठ बोल रहा है, या तो वो नहीं कर रहा है या बहुत कम मात्रा में करे, इससे स्वभाव नहीं बदल रहा है। अगर रियल भजन करेगा तो स्वभाव बदलना ही चाहिए। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं बदले। और क्या होता है, लोग ना करते हैं 1-2 माला और कहते हैं अरे बाबा मैं तो दिन में 108 बार नाम लेता हूँ। आदमी कई बार सोचता है 108 माला, मान एक माला होती, बोलते 108 बार। बात करने का तरीका होता है लोगों का, 108 बार हम नाम लेते हैं दिन में, आपको क्या पता। अरे एक माला बड़ा आसान की होता है। लोग 5-6 माला करो, 10 माला हो जाए, बड़ा भजन करता है, बड़ी माला करता है। पूछो कितनी उसको, प्रभु जी 10 माला ही करता हूँ। तो माँ तो कहती तू बड़ी भजन करता है। बल्कि लोग की परिभाषा क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। भजन की परिभाषा यहाँ से सीखो, महाप्रभु सिखाते, उनके शिष्य सिखाते भजन किसे कहते हैं, कैसे भजन किया जाता है। लोग को यही लगता है बड़ी माला करता है, बड़ी करता है, कितनी करता है, 8-10 माला की बड़ी माला करता है, बहुत बड़ा भक्त हो गया। लोग को यही लगता है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते। लेकिन जब कथा में बैठोगे, महिमा सुनोगे भक्तों का चित्र, महाप्रभु के पार्षदों का और महाप्रभु का, तो आपको लगा कि हमारी माला तो जीरो ही है, हमने कुछ भी नहीं किया। तब इंसान के अंदर दैन्यता आती है।
क्योंकि कोई कुछ नहीं करा उसके आगे हम बहुत बड़े शेर हैं, लेकिन जब महाप्रभु के पार्षदों का पढ़ोगे चरित्र कि कितने उनके भजन करते थे, 3-3 लाख हरिनाम करते थे सभी लोग, या कम से कम 2 से तो कम किसी ने नहीं किया, 2 के ऊपर ही करते थे, तब आपको पता चले कि आपका स्तर क्या है। और जी और तो डिस्करेज करने वाले तो बहुत ही दुनिया में, कोई जरूरत नहीं। यदि आपको मैं इतना व्यस्त कर रहा हूँ, इतना व्यस्त करो सारी सेवा लगा के कि हरिनाम की सेवा होने दे रहा हूँ, मैं नाम सेवा होने नहीं दे रहा हूँ, इतना मैंने व्यस्त कर दिया, ये भी अटेंड करना, वो भी अटेंड करना, वो आरती भी अटेंड कर, वो भी अटेंड करना, सब करना अपने, अरे भैया हरिनाम कब करना है जो जो रियल है, युग धर्म है, सब कुछ अटेंड करना हमने, भैया हरिनाम के लिए समय कब निकालोगे? जो असल चीज है वो तो तुम करने दे रहे हो, फिर क्या रहा? आप नाम मंत्र और मंत्र देवता की उपेक्षा करो, निग्लेक्ट कर रहे हो। तो जब गुरु जी ने आपको माला दी, कृष्ण नाम आपको पकड़ा दिया, आपके हाथ में कृष्ण पकड़ा दिया, अब तो केवल सेवा करनी, जब आप नहीं करोगे तो आप निग्लेक्ट नहीं करो, उपेक्षा नहीं करो मंत्र मंत्र देवता की। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते, ये सारे जो दुष्ट है इनका परित्याग कर दो, पहले हरिदास ठाकुर की तरह हरिनाम करो, भजन करो, बाद में हम करेंगे जो करना है, बाद में हम जो करेंगे करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा सब ये सब दुष्ट लोग हैं, इनका त्याग करो, जो आपको भजन करने का समय ही नहीं देते, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा गुरु, मेरी शिक्षा सुनो, लेकिन सब करो, लेकिन हरिनाम मत करो, वो सब बाद में देखी जाएगी। और फिर फायदा क्या, जो असल चीज है वो हम करने नहीं दे रहे, और जो व्यर्थ की चीज वो सब हम करा रहे हैं, जो मेन चीज है जिसके आधार पे सब कुछ है उसी का तुम्हें युग धर्म का हरिनाम है। सब चीज अच्छी, मंगल आरती, दोपहर की आरती, शाम आरती, ये आरती वो आरती, सब अच्छे, ये भी सेवा वो भी सेवा, रसोई की सेवा वो सेवा, सब करो। हम ये नहीं बोलते कि देखिए फिर हरिनाम कब होएगा, ये सेवा कब होगी, नाम सेवा कब होगी। कहते हैं समय नहीं मिलता माला करने को, जब माला करने को समय, युग धर्म नहीं करो तो तुम्हारे जीवन में व्यर्थ क्या, फिर तुमने केवल पुण्य का काम किया है, भक्ति तो की नहीं, क्योंकि नाम जपना ही भक्ति है, उसके अलावा दूसरी भक्ति की परिभाषा ही नहीं है। कल मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिए थे, मानस से दिया, भक्ति विनोद ठाकुर का मैंने कोट बोले है, क्यों कहते हैं हरिनाम जपना ही भक्ति है, फिर तुम भक्ति कहाँ करा रहे हो किसी से, तुम तो सब कर्मों में लगा रहे हो, भक्ति तो हो ही नहीं रही है। अगर जीव हरिनाम करे तभी वो भक्ति करे, अगर हरिनाम नहीं करे तो भक्ति कर ही नहीं रहा है। फिर हम कहते थे हमारी सेवा को प्रभुपाद जी के थे जो खेती करते थे, केवल कभी यही करते वो करते थे और कुछ काम ही नहीं करते थे, तो उनके ऊपर कृपा नहीं हुई क्या? तो तुम प्रभुपाद जी के 3 लाख हरिनाम करने वाले हो, क्या तुमको मंत्र सिद्ध हो गया, तुमको साक्षात्कार हो गया? प्रभुपाद के जो भक्त एक माला नहीं भी करेंगे, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभुपाद जी उनको भगवान के चरण में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है, उन्होंने 3 लाख हरिनाम करके भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है। तुम पहले उनकी तरह समर्थ बन जाओ, फिर एक भी माला नहीं करेंगे तो हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम हमको प्रभु के चरणों पहुंचा दोगे। ये खुद तो हो नहीं रहा और तुम दूसरे को प्रभुपाद जी की तुलना कर रहे हो, वो ऐसा करते वैसे करते, अरे भैया तुलना करने के पहले तुम प्रभुपाद जी की स्थिति में भी तो आओ, उनकी तरह समर्थ तो बनो, वो तो हम तुम बन नहीं रहे हो, तुमसे खुद से माला हो नहीं रही, खुद के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, तुम कैसे प्रेम का संचार करोगे दूसरे के अंदर, मुझे बताओ कैसे करोगे संचार? इसे सुनने में बहुत अच्छा कि वो प्रभुपाद जी के ऐसे थे वैसे थे, वो कुछ एक माला नहीं करते, खेती करते रहे, पानी भरते रहे, तो भी उनको पूर्ण कृपा मिली, क्योंकि प्रभुपाद जी समर्थ थे, इसीलिए उन्होंने अपने भक्तों से बहुत से काम करवाने थे, इसलिए उन्होंने ये सब करवाया उनको, लेकिन भजन तो है ही है, लेकिन उनको कृपा दी, क्योंकि मेरा काम करा, क्योंकि मैं महाप्रभु के काम की वाणी को फैला रहा हूं, क्योंकि महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया है तो मैं करा रहा हूं, तो मुझे पता कि ये सब काम करूंगा तो ही मेरा मिशन आगे चलेगा। और उसके वो सब शुरू करने के पहले उन्होंने पहले 3 लाख हरिनाम 9 साल किया और उनका साक्षात्कार किया, उसके बाद शुरू किया। तो पहले आप प्रचार पोषण करने के पहले ये पहले समर्थ बनिए भजन के द्वारा, ताकि आप इतनी शक्ति हो कि आप उद्धार कर सको सबका, नहीं तो उद्धार होएगा नहीं कैसे भी।
या तो उसको खुद भी भजन कर, उसको भी सहायता करो भजन करने में, ये तो बात, वो बात अलग होती है। लेकिन इतना व्यस्त किसी को मत करो कि उसका भजन के लिए समय ना मिले। आप फिर क्या करें, प्रभु जी सात दिन व्यस्त है, आज माला नहीं हुई, फिर तो तुम्हारा दिन बेकार गया। हम वैष्णव से, जो वैष्णव से वास्तव में वैष्णव सेवा हुई है, क्या वो रियल वैष्णव है? क्या उनमें सामर्थ्य है तुम्हें तारने की? आदमी कैसे बनता है? हरि नाम से बनता है। क्या वो नाम निष्ठ है? ये पहले सब विचार करना चाहिए। पीपल थॉट ही वॉज अ बेगर, लोग सोचते भिखारी है, एंड देयरफॉर कुना रखुन है, और उनको पहचान नहीं सकते। संत को पहचानना मुश्किल है। हमारे सारे गोस्वामी को कौन पहचान पाता था? वो तो साधन वाइट कपड़ों में घूमते थे। He was so poor that he had to beg alms to maintain. वो इतना गरीब था कि उसे भिक्षा मांगनी पड़ती थी अपना भरण पोषण करने के लिए। तो मैं इसको विश्राम करता हूँ, कथा का अगली बार पढ़ेंगे। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, वांछा कल्पत्रु भेष कृपा सिंधु भय एवच पतिता नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।